गठबंधन के टूटने के बाद गठबंधन के प्रत्याशी बोले हैं, अभी हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की बड़ी हार के चलते सपा और बसपा के बीच हुए समझौता टूट गया है। ऐसे में गाजियाबाद में सपा बसपा और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी और बसपा के पूर्व विधायक सुरेश बंसल ने चुनाव से पहले कहा था कि वह भले ही सपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन वह बसपा के सच्चे सिपाही हैं। वहीं गठबंधन टूटने के बाद अब बंसल के बोल बदल गए हैं। उनका कहना है कि वह फिलहाल दोनों में से किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में 2019 में पहले माना जा रहा था सपा और बसपा गठबंधन के बाद गाजियाबाद लोकसभा की सीट बसपा के खाते में जा सकती है, लेकिन चुनाव से करीब एक महीने पहले संयुक्त घोषणा हुई कि गाजियाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रहेगी। इसके बाद चुनाव से पहले सपा ने अपना जिलाध्यक्ष रहे और ब्राह्मण चेहरे सुरेश मुन्नी का भी दाव लगाते हुए उन्हें गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया। वहीं जैसे ही कांग्रेस ने भी इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे के रूप में डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। सपा ने दो दिनों बाद अपना प्रत्याशी बदल दिया। सपा ने इस सीट पर बसपा की ओर से पूर्व में रहे शहर विधायक सुरेश बंसल पर दाव खेला। टिकट मिलने के बाद बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह भले ही सपा को टिकट पर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन वह आज भी बसपा के सच्चे सिपाही हैं। ऐसे में अब सपा बसपा का गठबंधन टूटने के बाद सुरेश बंसल असमंजस में हैं कि किस पार्टी के साथ जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूं, उन्हें किसी पार्टी में रहना है, उसको लेकर वह परिवार और निजी लोगों के साथ बैठकर करेंगे। इसके बाद भविष्य में अब किस पार्टी के साथ रहना है यह बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।